नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों आज हम आपको चेहरे की झुर्रियां, फ्राउन लाइन्स यानी माथे के ऊपर जो लाइनें सी बन जाती हैं, पिगमेंटेशन की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। आजकल की मॉडर्न लाइफ स्टाइल, खान पान को लेकर लापरवाही, शरीर में पानी की कमी की वजह से, तनाव की वजह से, धूल धुआं, वातावरणीय प्रदूषण के कारण अक्सर व्यक्ति के चेहरे पर झुर्रियां सी पड़ जाती है या माथे पर फ्राउन लाइन्स की समस्या हो जाती है और व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा दिखाई देने लगता है। अगर आप कुछ सिंपल से अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप अपने चेहरे के चमक में वृद्धि कर सकते हैं और चेहरे की झुर्रियां, पिगमेंटेशन, आंखों के नीचे काले घेरे जैसी समस्या को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस समस्या को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी नियमित पिएं, शरीर में पानी की कमी को ना होने दें। इससे हमारे अगर हम पानी पर्याप्त मात्रा में पीते हैं तो इससे भी हमारे चेहरे के चमक में वृद्धि होती है। और इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सबसे पहले जब भी आप सुबह उठे, आप सुबह उठते ही अपने बिस्तर पर किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाइए और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को ऐसे अग्रभाग में ऐसे मिला लेते हैं और फिर अपनी दोनों हथेलियों को आपने खूब रगड़ना है। आपने अपनी हथेलियों को इतना रगड़ना है कि आपकी हथेलियां बिल्कुल गर्म हो जाएं और इसके बाद आपने अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे अपने आंखों के ऊपर रख लेते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी हाथों से ऊर्जा और शक्ति निकलकर आपकी आंखों में प्रवेश कर रही है। कम से कम 10 सेकेंड ऐसे ही रुकें और फिर इसके बाद धीरे धीरे ऐसे अपनी हथेलियों को ऐसे अपनी आंखों की साइड से होते हुए ऐसे साइड कर रहे और फिर इसके बाद अपनी हथेलियों को और खूब रगड़ें। जब आपकी हथेलियां बिल्कुल गर्म हो जाएं तो इसके बाद आपने अपनी हथेलियों को ऐसे अपने माथे के ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे करना है, ऐसे 3 से 5 बार करें और फिर अपनी हथेलियों को और रगड़ें और फिर इसके बाद अपने गले पर अपनी दोनों हथेलियों को गले के नीचे से ऐसे ऊपर की ओर प्रेस करें। ऐसे ही 5 से 6 बार कीजिए, हथेलियों को रगड़ें और फिर अपने ठोड़ी से ऐसे अपनी हथेलियों को ऐसे ऊपर की तरफ प्रेस करें। फिर माथे पर रखें। इसे करने से हमारे चेहरे के चमक में वृद्धि होती है और फिर इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को और खूब रगड़ें और अपनी आंखों के ऊपर रख लें। 10 सेकेंड ऐसे ही रखने के बाद अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे अपने आंखों की साइड से ऐसे नीचे कर लेते हैं और अपनी दोनों आंखों को सहजता से खोल लेते हैं। इस पामिक को आप सुबह उठते ही जरूर प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से हमारे चेहरे के चमक में वृद्धि होती है। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे विरेचन गति। ऐसे ही आपने पद्मासन या किसी भी आसन पर आपने बैठ जाते हैं या फिर इस अभ्यास को आप खड़े होकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। सबसे पहले लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास को अंदर भरने के बाद आपने अपने दोनों कोहनियों को ऐसे आगे की तरफ करते हुए कम से कम 15 से 20 बार, स्टार्टिंग में आप 10 बार भी श्वास को बाहर छोड़ें और फिर अपने हाथों को सीधा करके नॉर्मल ब्रीदिंग पर आ जाइए। जब आपकी श्वास प्रक्रिया बेहतर हो जाए तो फिर इस अभ्यास को आप पुनः दोहराएं। ऐसे ही से आप 5 से 6 बार करें। एक बार विरेचन गति के अभ्यास को प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऐसे ही आप किसी भी आरामदायक आसन पर बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास रख लें और फिर श्वास अंदर भरिए ऐसे है। दोनों कोहनियों को सीधा कर लें और फिर अपनी श्वास प्रक्रिया को नॉर्मल होने दें। दोस्तों माथे पर
ब्राउन लाइन्स, चेहरे पर झुर्रियां, पिगमेंटेशन की समस्या को दूर करने के लिए आप अगर हेड स्टैंड यानी शीर्षासन को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो शीर्षासन को करें। शीर्षासन को आप सुबह के समय और शाम के समय अगर 5-5 मिनट भी प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास ब्राउन लाइन्स की समस्या को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट अभ्यास होता है। जो लोग हेड स्टैंड को प्रैक्टिस ना कर सके वह अर्ध शीर्षासन प्रैक्टिस करें। इस अर्ध शीर्षासन को करने से हमें हेड स्टैंड के संपूर्ण लाभ मिलते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाना है और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। हम अपने सिर के ये वाले हिस्से को माथे से ये और ऊपर वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा करते हैं और ऐसे अपने हील को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अर्ध शीर्षासन की पोजीशन पर आते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट तक आप इस 2 से 5 मिनट तक प्रैक्टिस करें। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे सिर की तरफ हो रहा होता है। यह अभ्यास हमारे चेहरे के चमक में वृद्धि करने वाला बहुत ही अच्छा और सरल अभ्यास है। श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें। जब आप ऐसे ही अर्ध शीर्षासन को एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसी में आप एक पाद शीर्षासन को भी प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं, आपका पैर बिल्कुल सीधा पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो, कम से कम 30 सेकंड ऐसे ही एक पाद शीर्षासन की पोजिशन पर आइए और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर इसके बाद दूसरे पैर से श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऊपर उठाइए। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे ऐसे ही कम से कम 4 से 5 बार कीजिए। और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने घुटनों को जमीन पर रख लें और चाइल्ड पोज में रिलैक्स कीजिए। दोस्तों इन अभ्यासों के अलावा कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी कम से कम 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल कीजिए।